कंपू थाना इलाके के होम्योपैथिक अस्पताल में फर्जी दस्तावेज बनाकर अस्पताल के काम का टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, मामले पर पीड़ित ने शिकायत की। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेज बनाकर अस्पताल के काम का टेंडर दिलाने के नाम पर पीड़ित सुरेंद्र निवासी घास मंडी ने शिकायत की है कि होम्योपैथिक अस्पताल की कुशवाहा और गिरिजा शंकर शर्मा ने 1 जून 2021 से लेकर 1 नवंबर 2021 तक अलग अलग किश्तों में अलग अलग रकम ली गई है और टेंडर दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज थमाए गए। बाद जांच पड़ताल की गई तो मामले की शिकायत कंपू थाने में की गई और पुलिस इस मामले की विवेचना के दो आरोपियों रणधीर कुशवाहा और गिरिजा शंकर शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। धोखाधड़ी की रकम का अभी सही आंकड़ा सामने नहीं आया है। ऐसे में आरोपी की तलाश के साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की दोबारा से विवेचना कर रही है, जिससे धोखाधड़ी के पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कंपू थाने में पहले से कंप्लेंट आ रहे थे कि 420 का धोखाधड़ी का मामला हुआ है, तो जैसे कि हमारी वैधानिक रूप से हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाते हैं, उसमें जांच में हमें ऐसा लगा कि संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो हमने उसमें तुरंत एफआईआर करा अभी 420 में, और अभी हम देखेंगे कि जो भी पार्टी गिल्ती है उसके खिलाफ हम चालान पेश करेंगे।